देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पानसेमल शासन द्वारा संचालित कायाकल्प अभियान अंतर्गत सड़कों के अनियन कार्यों का भूमि पूजन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल एवं विधायक चंद्रभागा किराड़े, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र रमेश भंडारकर, नगर परिषद उपाध्यक्ष साहेब राव चौधरी, नगर परिषद सीएमओ रामप्रसाद जी भांवरे की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। अभियान के तहत सिटी रोड एक्शन प्लान तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था, जिसके अनुमोदन उपरांत निविदा प्रक्रिया पूरी की जाकर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत नगर में बाबू सेठ के मकान से खड़की रोड पुलिया तक एवं सड़क तार्जन मिश्रा के मकान से ठाकुर सिंह सत्संग भवन तक व खेतिया रोड से जनपद पंचायत कार्यालय तक एवं आदिवासी भवन से सामुदायिक शौचालय तक, गोमी नदी पुलिया से मुक्तिधाम तक के सड़कों का उन्नयन कार्य किया जाना है एवं वार्ड 1, 5 एवं 15 के सड़कों का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। भूमि पूजन कार्यक्रम में जिला महामंत्री अनूप मिश्रा, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वसावे, मंगल सिंह राजपूत, पूर्व जिला महामंत्री श्याम बर्डे, विधायक प्रतिनिधि सुनील पाटिल, अजय कुमार मिश्रा, प्रकाश जैन, सुभाष सितोले, कृष्णकांत चौधरी, दिलीप सोनी, उत्तम सोलंकी, मोतीराम सांवले, अमित शर्मा, नगर पार्षदगण भावेश सावले, मनोज चौधरी आदि मौजूद थे। देखिए जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश बड़वानी पानसेमल से महेंद्र सोनवणे की ये खास रिपोर्ट। नगर परिषद में मेरे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र जी, उपाध्यक्षगण, पार्षदगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मंगल सिंह जी, अनुप मिश्रा जी और ऐसे कई वरिष्ठगण हैं जो आज इस भूमि पूजन के आयोजन में उपस्थित हैं। ये कायाकल्प के तहत जहाँ पर नगर परिषदों में जहाँ पर सड़कें जर्जर हो गई है, नगर का जो मुख्य मार्ग है गलियाँ कुछ प्रमुख जगह पर हैं जहाँ पर नगर के प्रमुख बाजार भी लगते हैं, इसे करके मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी ने नगर परिषद के माध्यम से, नगरीय प्रशासन के माध्यम से कायाकल्प के द्वारा इस रोड पर डामरीकरण का काम की शुरुआत की है, जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं के नगर परिषदों में हो रहा है। और इसी के तहत हमने नगर पानसेमल के इस नगर परिषद में 50 लाख रुपये की जरूरत में 50 लाख रुपये के माध्यम से यहाँ पर 7 से 8 सड़कें जो प्रमुख मार्ग हैं उसको दुरुस्ती करने किया जाएगा, कायाकल्प के तहत उसको नया किया जाएगा